गई तो जुर्माना कर देना। दोस्तों ये एक बहुत ही जबरदस्त हमारी एक जो पुराने दादी अम्मा के टोटके होते हैं, ठीक है, हमारी भी एक दादी थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका ये नुस्खा था। मैं कहता हूँ दोस्तों एक बार आप लोग इस्तेमाल करके देखो, आपके बाल लंबे ना हुए तो फिर आप कहिएगा। दोस्तों टोटल 10 दिन की गेम है ये और इंशाल्लाह आपके बाल इस तरह से लंबे होंगे। डे 1 डे 10 की ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं पिक्चर में, इंशाल्लाह इसी तरह से आपके बाल बढ़ेंगे। अगर आप बालों को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं, यानी आपके बालों की ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है, और बाल जो है वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना होगी। लड़के और लड़कियाँ, जवान लड़के और जवान लड़कियों के लिए बहुत ज़बरदस्त टोटका है। और उम्र रसीदा अफराद जो औरतें हैं, यानी कि जो 40 to 50 के लगभग हैं, वो इसको देख सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि ये नुस्खा 2-3 चीज़ों से बना हुआ है, लेकिन ये ऐसा खालिस नुस्खा है, इतना ज़बरदस्त आपको ये बना देगा कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे अपने बालों को देख कर, ठीक है। तो पहले भी मैं वीडियो काफ़ी सारी अपलोड कर चुका हूँ, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग इन वीडियो से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुके हैं माशाल्लाह, यानी कि वो अब इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो बंदा इस्तेमाल करके मुझे रिजल्ट का बताता है। तो मेरी बहन है एक, उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, उन्होंने वीडियो के कमेंट किया था कि माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, मेरे बाल 4 इंच तक बढ़ रहे हैं 4-5 दिनों में, ठीक है, और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई उस वीडियो को देखकर। और ये वीडियो भी इसी तरह से ज़बरदस्त वीडियो है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं और क्या क्या नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ ऐड हो रही है इस नुस्खे में वो है ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल आपने कितना लेना है मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों ब्लैक मस्टर्ड सीड। दोस्तों इसको जो है उर्दू सरसों के बीज कहा जाता है, ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, ठीक है, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, यानी सरसों के बीज, ठीक हो गया, ये पंसार से आपको मिल जाएंगे। कोई इतनी महंगी चीज नहीं है, कोई इतनी खास चीज नहीं है जो आपको मिल ना सके, ठीक है, बहुत आम सी चीज है ये। और दूसरे नंबर पे है दोस्तों ये जो आपके सामने आई फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना, ठीक है दोस्तों मेथी दाना, ये 3 चीजें इसमें डल रही हैं। और सबसे पहले अब आपने क्या करना है, एक बाउल लीजिए, बाउल में डालिए सबसे पहले दोस्तों ये जो ब्लैक मस्टर्ड सीड्स हैं, ठीक है, इसका और मेथी दाने का जो आपने पाउडर बना लेना है, ठीक है, दोनों एक एक चम्मच लेना है, इसका भी एक चम्मच, इसका भी एक चम्मच। अब इसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड करिए और इसको बिल्कुल पाउडर की मानित बना लो, ठीक है। जब ये पाउडर की मानित बन जाए, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसके बीच में तकरीबन 1 चम्मच ऑलिव ऑयल के बीच में डालनी है, ठीक है, ऑलिव ऑयल ऐड करें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच। जो आपने इन दोनों को पीस कर पाउडर बनाया होगा ना दोस्तों, उसके बीच में अब आपने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल की डाल लें और इसको गाढ़ा सा पेस्ट बना लें, ठीक है। ये दवा है, अब ये अब आपके सामने दवा तैयार हो चुकी है हेयर ग्रोथ की और हेयर रीग्रोथ की, यानी कि जो गिरे हुए बाल हैं उसको भी ग्रो करेगी इंशाल्लाह, दोबारा बाल आएंगे आपके। अब दोस्तों आपने सिंपली करना क्या है, अब आपने सिंपल इस तरह से इसको सर पर लगाना है, जो आपकी सेंटर वाली लकीर होगी जहां से आप मांग निकलते हैं, यानी कि आपकी जो मांग निकलती है उस जगह आपके बाल नहीं है, तो आप उस जगह पर लगाए, जिस जगह पर आपके बाल नहीं है वहां पर लगाए और पूरे सर पर लगाकर इसको अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट मसाज करें। इस चीज को अपने बालों में जज्ब करें, ठीक है, जड़ों में मसाज करें, बालों पर ना लगाएं, जड़ों में मसाज करें, ताकि आपके बाल जो हैं वो रीग्रोथ हो। जो शैम्पू कर करके आपके बालों की जड़ होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप अपने बालों की जड़ों में ये लगाइए और अच्छी तरह से इसका मसाज करें, ताकि आपके बाल जो है वो दोबारा ग्रो करें। और फिर क्या करें, आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि ये आपके बालों में असर दिखाए, अंदर तक जाए। 10 मिनट तक जब आप छोड़ेंगे, इसके बाद आप रेगुलर जो शैम्पू यूज करते हैं या करती हैं उससे आप अपने सर को वॉश कर लीजिए, इंशाल्लाह सर खुशबूदार भी होगा, ठीक है, और इंशाल्लाह बाल भी काले स्याह चमकदार और इंतहाई लंबे हो जाएंगे सिर्फ 10 दिनों के अंदर। 10 दिनों का टाइम है इस नुस्खे का, 10 दिनों में अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे मिल रहे हैं तो आप इसको 10 दिन और यूज कर लें, 1 हफ्ता और यूज कर लें, 20 दिन और यूज कर लें, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जितना चाहे इसको इस्तेमाल करें उतना आपको फायदा मिलेगा।
दोस्तों इसी तरह से जो लड़के अपने बालों को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बालों की जो लेंथ है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ये नुस्खा बहुत कीमती है, बहुत जबरदस्त नुस्खा है, बहुत मेहनत से आपको दिया, आपको निकाल कर दिया, लिख कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा, और जितना हो सके इन वीडियोस को आगे भी शेयर करें ताकि तमाम अफराद का भला हो, और हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ऐ खुदाया गुनहगार हूँ मैं, जान कर भूल कर जो किया है।